केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। 15 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है, लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 15 अगस्त से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने की घोषणा हो सकती है। दरअसल लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग की जा रही थी। यदि किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसे बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की बात चल रही है। सूत्रों का दावा है कि 15 अगस्त से पहले ये कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी सरकार ने कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के लिए कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उन्हें ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि अभी तक कर्मचारियों को 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57% के आधार पर वेतन मिलता आ रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा, जैसे महंगाई भत्ता DA, यात्रा भत्ता TA, हाउस रेंट अलाउंस HRA, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 गुणा 2.57, 46,260 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। कर्मचारियों की लंबे समय से डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। आपको बता दें, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता हुआ आया है। बहरहाल अब देखना होगा कि 15 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों की ये मांग पूरी होती है या नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।